हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यस, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, ये जो वीडियो है मॉक टेस्ट रिलेटेड है। कि भाई, मेरे पास कमेंट आया था कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कि हम जब सीईटी का मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें, तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम है ना, ये एक के साथ ही सबके साथ होता है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। अब मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तब नहीं, तो जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तब हमसे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तब उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो ज़्यादा दुख होता है कि अरे, ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन मैं तब भी नहीं कर पाई। तो क्या क्या वो गलतियाँ हैं जो मॉक टेस्ट हम देते हैं तो हमें करने से बचनी चाहिए, ठीक है? तो हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि कौन कौन सी जो गलतियाँ हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है, ऐसे तो मैं आप सबके लिए बना रही हूँ, क्योंकि सीयूईटी जो है उसमें भी मॉक टेस्ट देते समय मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए ये कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि मॉक टेस्ट तो हर कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है ना, वो देता ही है। इवन मैं भी देती हूँ तो मेरे मार्क्स भी नहीं आते हैं, कम आते हैं। तो इस तरीके से आपको बताते हुए मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। तो हमें ना एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट्स रखने चाहिए कि हाँ भाई, मैं आज एक अटेम्प्ट दूंगी, एक दिन बाद दूसरा अटेम्प्ट दूंगी, कि सर वीक में मैं 3 मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। इस तरीके से हमें फिक्स रखना चाहिए, ये नहीं हमने मुंह उठाया और कभी भी मॉक टेस्ट दे दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे अंदर एक वो नहीं रहता है कि हाँ भाई, वो क्यूरियोसिटी टाइप की, हाँ भाई मुझे मॉक टेस्ट देना, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करके तब देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस कंपेयर टू हम कभी भी दे देंगे, कभी भी कोई टाइम फिक्स क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक टाइम फिक्स करेंगे, डे फिक्स करेंगे, तब मॉक टेस्ट दो ना, तो फील भी आता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, एंड देन सेकेंड थिंग भाई, क्वेश्चन जब हम मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका सबसे एक रीज़न यही होता है कि हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। इवन मैंने भी अभी एक गलती करी रिसेंटली ही, कि मैंने क्वेश्चन क्या करा, स्टार्टिंग में पढ़ा ना, बस मेरे दिमाग में आ गया कि चलो फटाफट कर देते हैं, क्योंकि मुझे वो आता था, मैंने कर दिया, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, उसमें लिखा था नहीं, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं था, दूसरा था, मैंने नहीं पढ़ा नहीं, मैं दूसरे पर टिक करती और भाई वो मेरा गलत हो गया। अब क्वेश्चन इतना ईजी, बस सिली मिस्टेक, पूरा मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, एक लाइन देख के ही बस बना डाला, ऐसा नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। और जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के अटेम्प्ट करें ना, साथ में आपको ऑप्शंस पे भी नज़र डालना चाहिए कि ऑप्शन क्या करते हैं। कई बार क्वेश्चन ना हमारे ऑप्शंस के थ्रू हो जाते हैं कि भाई, क्योंकि 3 तो है ही, जो हो ही नहीं सकते, तो चौथा ही आंसर होगा। तो ऑप्शंस को हमें बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए, क्वेश्चंस पूरे रीड करने चाहिए। वो क्वेश्चन में घुमा देता है जो एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन बना रहे होते हैं, वो लास्ट में जाके क्वेश्चन घुमा देंगे। उस टाइम पे बहुत दुख होता है जब क्वेश्चन आ रहा होता है हम गलत कर देते हैं, बस अच्छे से रीड नहीं करा होता इस वजह से। ओके, और यस, एक चीज़ और, जैसे मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, जो हमारे मार्क्स कम आ रहे होते तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग जाते हैं कि मार्क्स कम आ रहे, एग्जाम कैसा जाएगा, अभी मार्क्स नहीं आ रहे तो एग्जाम में कैसा होगा। भाई, इतना पैनिक मत करो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे मार्क्स जितने आ रहे हैं, क्या पता एग्जाम में उससे ज़्यादा है, जैसे एग्जाम में ज़्यादा ही है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वो टफ बनाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एग्जाम। अब ज़्यादा खुश मत हो जाना कि कोई नहीं, टेंशन थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट वे में, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। तो मॉक टेस्ट मार्क्स कम आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मेन रीज़न क्या है मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आने का, रीज़न क्या है, यानी वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ रखा आपने, वो जो कंसेप्ट है, जैसे जो क्वेश्चन गलत हुआ है ना, एक डायरी बना लो, एक प्रॉपर नोटबुक बना लो, अब भाई मेरा इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ, वो टॉपिक लिख लो, यार मैंने ये गलती कर दी, अब वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करना, उस डायरी के अंदर वो गलती लिख दो, जिससे पेपर का टाइम वो डायरी उठा के रिवाइज कर लो, और बहुत ही शॉर्टेड हो जाता है ये चीज़। अब एक बार लिखोगे ना आपके दिमाग में, वैसी जो हम गलत करते हैं ना, वो हम पेपर में कभी गलत नहीं कर सकते, हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। जो आपने अभी आज गलत कराया है वो पेपर में ही गलत होगा, तो जब आपका गलत हो रहा है तो टेंशन मत लो, पेपर में वो गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है? गलती करना तो ज़रूरी है, तभी तो सीखेंगे ना, इस वजह से। तो आपको एक डायरी बना के उसके अंदर अपने जो टॉपिक्स हैं वो देखना होगा, वो लिखना होगा कि मेरे क्या क्या टॉपिक वीक है, क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसा नहीं होता कि कोई सब्जेक्ट है, मैथ्स है, मेरे को ऑलमोस्ट कई चैप्टर आता है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसा होगा जो मेरा वीक है, तो मैं उस चैप्टर पर अपने कमांड बनाऊँ जिससे मेरे उसमें मार्क्स अच्छे आ सके। तो मॉक टेस्ट एनालाइज क्या होता है, यही तो होता है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक को कवर अप करो। अब वो कैसे पता चलेगा, जब आप मॉक दे रहे हो जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपका गलत है, इट मीन्स दैट वो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, उस टॉपिक की वीडियो दोबारा देख लो, वन शॉट दोबारा देख लो। और एक चीज़ फंडामेंटल याद रखना हमेशा, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बस तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस
और थर्ड इज योर कि तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आप रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो और कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएंगे। जो क्वेश्चन गलत है उस चीज़ का कंसेप्ट यानी तुम्हें नहीं आता, वो कंसेप्ट जाके बना लो। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो मॉक टेस्ट में मार्क्स पक्का इम्प्रूव होंगे आपको। तो मॉक टेस्ट के लिए इस तरीके से फंडामेंटल्स बनाओ कि भाई क्या रीज़न है, और ऐसे नहीं तो मुंह उठा के बस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया, सिलेबस पूरा हुआ नहीं और मॉक टेस्ट देने लग गया। फिर पहले सिलेबस तो पूरा कर लो, चलो एग्जाम आने वाला है, एग्जाम से एक महीना पहले तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जैसे एग्जाम आपकी जो डेट आएगी उससे एक मंथ पहले, डेढ़ मंथ, दो मंथ पहले से एग्जाम मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले तो ट्राई करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जितना सिलेबस उतना कवर अप करो, सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद मॉक दोगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ भाई हमें आ रहा है, हम कर पा रहे हैं। जब पढ़ा ही नहीं होगा तो मॉक में मार्क्स नहीं आने वाले हैं, ये चीज़ याद रखना। जब पढ़ोगे तभी मॉक में मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आते, ठीक है। और ये चीज़ तो है भाई कि हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी कोई भी चीज़ होगा। और ऐसा तो कंपटीशन हर जगह है, CUET हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव, नीट, JEE, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब में कंपटीशन भर भर के हैं। तो इट मीन्स दैट ये थोड़ा है कि वो चीज़ होएगी नहीं। कुकली सीट्स तो हैं, और DU में भी 70,000 सीट्स हैं, और अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी सीट्स हैं। मेरे पास अभी तुम सब मतलब काफ़ी कमेंट्स आते हैं ना, वो पूछते हैं मार्क्स कितने हैं, कट ऑफ कितने हैं। भाई अभी कट ऑफ क्यों देख रहे हो आप सब, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ट्राई टू अचीव फुल मार्क्स। टारगेट फुल कर रखोगे ना तब जाके तुम्हारे 50-100 नंबर कटेंगे, तब जाके आपके 500 मतलब 600 में से 500 आएंगे, 800 में से 700 आएंगे। टारगेट फुल लेके चलो, ये मत सोचो मुझे कट ऑफ निकालने, कट ऑफ निकालने के चक्कर में मत रहो, फुल मार्क्स का टारगेट बनाओ। मेरे पास जो मार्क्स तुम पूछते हो मैथ्स ओनर्स के बता दो, कंप्यूटर साइंस ओनर्स के बता दो, भाई कट ऑफ तो है ही, हर चीज़ के कट ऑफ है, बट ट्राई टू अचीव फुल मार्क्स ना। व्हाई आर यू जस्ट लाइक पजल्ड इन द कट ऑफ, कट ऑफ के पीछे मत रहो। कट ऑफ तो चेंज होएगी, जैसे अगर मार्क्स पेपर टफ आ गया कट ऑफ गिर जाएगी, मार्क्स पेपर ईजी आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितने जाने वाले। ये कट ऑफ लास्ट ईयर की बताती हूँ मैं, उससे पहले दो साल का जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। लेकिन इस बार का एग्जाम क्या पता इजी ना आए, मुश्किल आए, वैसे थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इसमें भी जो नंबर ऑफ अप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जस्ट लाइक JEE NEET की तरह ये भी कुछ एक दो सालों में हो ही जाएगा। तो डू योर बेस्ट एंड आई विश टू एवरी वन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड सब्सक्राइब द हिट बटन सो दैट यू गेट द मोर वीडियोज, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू नो फ्रॉम मी एंड वट एवर यू वॉन्ट टू नो एंड यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो। मैं क्योंकि मैं सबका रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि यूट्यूबर्स रिप्लाई नहीं देते हैं, कोई हमसे बड़ा, अगर हमें कोई बड़ा होगा और हमें कुछ पूछना होगा वो बता देना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मैं रिप्लाई का सबको मतलब जो भी कमेंट करता है मैं सबको रिप्लाई कर देती हूँ, अगर रिलेवेंट होता है कुछ, अगर मुझे लगता है कि चलो रिलेवेंट नहीं तो मैं तब छोड़ देती हूँ। तो जो भी आपको पूछना हो कमेंट करके पूछना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, अपने स्कूल ग्रुप वगैरह में भी भेज देना। ओके, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।